नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 1 अप्रैल 2020 है, नए फाइनेंशियल ईयर की आप सबको बहुत बधाई हो। ब्याज दरों में सरकार ने भारी कटौती की है, जिसका समाचार आपको न्यूज़ चैनल्स में मिल ही गया होगा। सरकार की अपनी जगह मजबूरियाँ हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स को आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है। किस स्कीम के अंदर कितना लॉस हुआ है और वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा, ये आज इस वीडियो का टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पीपीएफ में पहले आपको 7.90% पर एनम मिल रहा था, जो कि अब घट के 7.10% हो गया है। लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो घटा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके टोटल पीपीएफ अकाउंट के अमाउंट पर एप्लीकेबल होगा। यानी कि कुछ लोगों को ऐसा वहम है कि जो हम फ्रेश डिपॉजिट करवाएंगे पीपीएफ में, उस पर नया रेट लागू होगा, लेकिन जो हमारा डिपॉजिट बैलेंस पिछला पड़ा हुआ है उस पर पुराने रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी आपका टोटल अमाउंट है आज से मिलने वाला इंटरेस्ट आपको उस पर 7.10% के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, एनएससी की बात करें तो 7.90 से घटकर ये 6.80% पर एनम हो गया है। यहाँ भी ये जान लीजिए कि जिन लोगों ने एनएससी पहले लिए हुए हैं उन एनएससी का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आप आज फ्रेश एनएससी परचेज करते हैं वो आपको 6.80% पर एनम से उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की बात करें तो 8.40% से घटकर 7.60% हो गया है। बहुत बड़ा लॉस है, 7.60% हो गया। इस पर भी पीपीएफ वाला रूल अप्लाई होगा कि आपके टोटल सुकन्या के जो बैलेंस है 1 अप्रैल 2020 को और जो फ्रेश आप डिपॉजिट करेंगे, इस सारे अमाउंट के ऊपर आपको घटा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 7.60% पर एनम मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट 8.60% से 7.40% है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही है जो आज ये स्कीम ले रहे हैं। जिनकी ये स्कीम पहले से ली जा चुकी है उनको पुराने रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आज जो लोग फ्रेश ये स्कीम लेने वाले हैं उनको नए रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम जो कि पोस्ट ऑफिस में है, मंथली इनकम स्कीम बैंक्स में भी होती है, लेकिन बैंक्स के रेट बैंक टू बैंक वेरी करते हैं, हम आपको यहाँ पोस्ट ऑफिस का बताएंगे। इसका 7.60 से घटाकर 6.60% पर एनम कर दिया गया है। रेकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो 7.20 से घटकर 5.80, पोस्ट ऑफिस का रेकरिंग डिपॉजिट 5.80% रह गया है। लेकिन इसमें भी जिनका रेकरिंग डिपॉजिट 7.20 पर अकाउंट खुल चुका है, यानी कि अगर मान लें कि 5 साल का वो आपका आरडी अकाउंट था, तो आपको 5 साल तक 7.20% पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो आज आप रेकरिंग डिपॉजिट कोई नया अकाउंट खोलते हैं वो आपका 5.80% पर एनम पर खुलेगा। केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र, ये 7.60 से घटाकर 6.90% कर दिया गया है। यानी केवीपी जो पहले 113 महीनों में पैसे को डबल करते थे, अब वो 124 महीनों में डबल करेंगे, ऑलमोस्ट डबल करेंगे। ये इन सेविंग स्कीम्स का सारा कंक्लूजन है। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत संभावनाएं हैं कि आने वाले दिनों में ब्याज दरें और भी घट सकती हैं। किसी भी फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।